हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डिटर्मिनर्स। सो डिटर्मिनर्स क्या होता है? देखो, मेरे पास ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप इंग्लिश के टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाओ, ठीक है। तो मैंने फिर एक न्यू सीरीज भी ऐसे शुरू की है कि मैं इंग्लिश के टॉपिक्स मोस्टली कवर करूंगी इस सीरीज में, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली मुझे जो लगता है कि एक रूट कॉज जो होता है, रूट नॉलेज जो आपको ग्रामर की मिलती है, वो है आपके डिटर्मिनर टॉपिक से, ठीक है। सो आज हम करेंगे डिटर्मिनर्स और उसके बाद हम इसके इंग्लिश की जितने भी टॉपिक्स होंगे वो फिर फर्दर कवर करते जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट आर डिटर्मिनर्स? डिटर्मिनर होता क्या है, ठीक है? इट इज यूज बिफोर नाउन टू क्लैरिफाई द नाउन। एक ऐसा नाउन आप यूज कर रहे हैं, एक ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जिससे नाउन क्लैरिफाई हो रहा है। नाउन को क्लियर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो मैं एक एग्जाम्पल से आपको इसको समझाती हूँ। लाइक एग्जाम्पल में हमारे पास ये देखो यहाँ पे क्या गिवन है। माई पेन, सम वॉटर, दिस बुक, अ चेयर, फाइव स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो अब इसमें पेन, पेन से पहले आपका क्या वर्ड लगा? माई। नेक्स्ट वन इज वॉटर, सम वॉटर, यहाँ पे क्या लगा हमारा? सम। थर्ड वन इज दिस, दिस बुक, दिस हमारा डिटर्मिनर होगा। अ चेयर, एक चेयर है, ठीक है। फाइव स्टूडेंट, यहाँ पे क्वांटिटी बता रखी है कि कितने स्टूडेंट है, फाइव स्टूडेंट है। देखो गाइज, आपको अगर डिटर्मिनर्स के बारे में याद रखना है कि आपको भूले नहीं ये टॉपिक, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। डिटर्मिनर का क्या, आपको दो चीजें सिर्फ ध्यान रखनी है, किसका और कितना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूं किसका और कितना। मीन्स किसका है, लाइक माई पेन, किसका पेन? माई पेन, ओके। सम वॉटर, कुछ वॉटर, कितना वॉटर? सम वॉटर। दिस बुक, किसकी बुक, ठीक है। अ चेयर, किसकी चेयर? फाइव स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स? तो ये हमारा क्या डिटरमाइन करेगा? डिटर्मिनर्स को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स। अब टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स में हमारे पास जो बेसिकली टाइप्स आते हैं वो फोर टाइप्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट वन इज आर्टिकल्स, सेकेंड वन इज डेमोस्ट्रेटिव, थर्ड वन इज पोजेसिव, फोर्थ इज क्वांटिफायर, ठीक है। और वैसे ये फिफ्थ भी होता है हमारा नंबर्स, लेकिन हम इसको क्वांटिफायर के बीच में ही काउंट करते हैं। तो इसको समझ लेते हैं फिर एक बार क्या होता है। आर्टिकल्स आप सभी को पता है, ए एन द। अगर किसी को नहीं पता तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। अगर आप कमेंट में मेंशन कर देना कि आपको आर्टिकल पर वीडियो चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगी इस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है? डेमोस्ट्रेट करना, बताना उस चीज को, यानी कि ये चीज मेरी है, दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस पेन इज माइन, ओके, दैट हाउस इज माइन, क्लियर। सो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स आपके डेमोस्ट्रेटिव में यूज होते हैं, ठीक है। थर्ड जो है हमारा वो है पोजेसिव। पोजेसिव आपका वर्ड आया है पोजेशन वर्ड से। पोजेशन मीन्स जहां पे किसी की पोजेशन शो की जाए, ऑनरशिप शो की जाए, उसको हम बोलेंगे पोजेसिव डिटर्मिनर। जैसे माई, योर, आर, हिज, हर, मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका, ये सारे हमारे पोजेशन को शो करते हैं, पोजेसिव डिटर्मिनर को शो करेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में क्वांटिटी से रिलेटेड, ये आपका कंसेप्ट क्वांटिटी से निकला है। सो इसमें सम, फ्यू, लिटल, ये सारे हमारे कवर अप होते हैं। कुछ क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी। इसी में हम एक और चीज कवर कर लेते हैं, वो है हमारे नंबर्स। नंबर्स में हमारे पास आता है कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। कौन कौन से आएंगे? कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। सो जो हमारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं ना, वो कौन से होंगे? वन, टू, थ्री, ठीक है। ये हमारे एंड सो ऑन, ये हमारे कार्डिनल नंबर्स हैं। और ऑर्डिनल नंबर्स अगर हम देखें तो वो होगा हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, ये वाले, ठीक है। सो कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर, आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया होगा। हमारे कौन कौन से नंबर्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है हमारा आर्टिकल्स, सेकेंड वन इज डेमोस्ट्रेटिव, थर्ड इज पोजेसिव एंड फोर्थ वन इज क्वांटिफायर, और जिसमें नंबर्स भी आता है हमारा, क्लियर। आप इसको ऐसे मेंशन भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम इसको ब्रीफली मैं आपको ये एग्जांपल्स के साथ ये समझाऊंगी कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला था हमारा आर्टिकल। आर्टिकल, अब देखो, अ बॉय इज वॉकिंग ऑन द ब्रिज। अब बॉय जो है वो क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है ब्रिज के ऊपर। अब देखो, बॉय से पहले, हमारे नाउन से पहले क्या यूज हो गया?
आर्टिकल यूज हो गया, अ यूज हुआ है ना, सो दैट मीन्स कि हमारा क्या हो गया, आर्टिकल से पहले, आर्टिकल से पहले आ गया हमारा, ठीक है, नाउन से पहले आ गया हमारा आर्टिकल, तो ये हमारा बन गया अ बॉय इज वॉकिंग ऑन द ब्रिज. क्लियर. नेक्स्ट वन इज डेमोस्ट्रेटिव. डेमोस्ट्रेटिव मैंने आपको पहले बताया था कि डेमोस्ट्रेट करना, बताना कि ये चीज मेरी है या उसकी है, जिसमें हमारे कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं, दिस दैट दीज दोज. लाइक दिस पेन इज माइन. अब ये यहाँ पे पेन हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन से पहले हमारा दिस यूज हो गया, तो डेमोस्ट्रेटिव हो गया ये. आप इसको इजिली ऐसे पहचान सकते हो, ठीक है. इसमें कुछ और वर्ड्स भी यूज होते हैं, लाइक वी हैव, सर्टेन, सच, ये आपको वैसे याद रखने की नीड नहीं है, लेकिन इफ इन केस आपके पास आता है तो आपको पता होना चाहिए. क्लियर. बेसिकली जो है हमारे कौन कौन से हैं, दिस दैट दीज एंड दोज. सो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट वन इज पोजेसिव डिटर्मिनर. पोजेसिव हमारा किस वर्ड से निकला है, पोजेशन से निकला है, ठीक है. आप इसको लिख सकते हो ऑनरशिप, यहाँ पे ऑनरशिप, ठीक है. पोजेशन का हमारा मतलब होगा ऑनरशिप से, लाइक माई, योर्स, हिज, हर, आर्स, देयर, तो ये सारी हमारी पोजेशन शुरू हो गई, ठीक है. इससे पता चल गया कि ये चीज हमारी है, तुम्हारी है या किसकी है, ये चीज पता लगती है. लाइक हर ब्रदर इज एन एक्टर. उसका भाई क्या है, एक्टर है, उसके भाई की बात हो रही है, ठीक है. नाउन से पहले हमने क्या यूज किया, हर, मीन्स उसका भाई, ये पोजेशन शो कर रहा है. एक और ऐसा ही एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं, आर आईडीज आर सबमिटेड देयर. हमारी आईडीज जो है वहां पे सबमिटेड हुई है. आर ये आपका क्या शो कर रहा है, पोजेशन को शो कर रहा है. सो यहाँ पे क्या आएगा, आपका आर आईडी, ठीक है. तो ये भी हमारा पोजेसिव डिटर्मिनर होगा. क्लियर. एंड द लास्ट वन इज क्वांटिफायर. क्वांटिफायर मीन्स हमारा जो वर्ड निकला है क्वांटिटी से निकला है, ठीक है, क्वांटिटी. सो सम, लिटिल, फ्यू, मेनी, मच, एनी, ये सारी आपकी क्वांटिटीज को शो करता है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ क्वांटिफायर. सो इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं. सम वाटर इज लेफ्ट इन माय बॉटल. कुछ पानी मेरी बॉटल में है. वाटर क्या हो गया हमारा नाउन. नाउन से पहले हमने क्या यूज कर दिया, वर्ड सम, ठीक है. तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्वांटिफायर डिटर्मिनर. क्लियर. एंड द लास्ट वन इज मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट कम. मेनी, अब यहाँ पे आपका मेनी वर्ड यूज हुआ है स्टूडेंट से पहले. स्टूडेंट्स आपका क्या है, नाउन है. तो इस नाउन से हमारा पहले क्या यूज हो गया, मेनी. मेनी क्या हो गया हमारा, डिटर्मिनर. ये कौन सा डिटर्मिनर हो गया आपका, क्वांटिफायर, ठीक है. यहाँ पे आप लिख भी सकते हो. सो आई थिंक सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो. आई विल गिव योर कमेंट्स, क्वेरीज और योर आंसर्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.